माँ अनपढ़ गृहिणी, पिता किसान, सात भाई बहनों में सबसे बड़े, लिबास से किसी इस्लामिक मदरसे के छात्र की तरह दिखने वाले नूह जिले के लाहावास गांव के दसवीं के छात्र ने 500 में से 470 अंक, करीब 95% अंक प्राप्त कर गांव में माता पिता के साथ साथ इलाके का नाम रोशन किया है। सलमान चौधरी नाम का यह छात्र जिले के टॉप 5 की सूची में शामिल है। सलमान चौधरी बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है। जिले में डॉक्टरों की भारी कमी है, इसलिए डॉक्टर बनकर वह इलाके के लोगों की सेवा करना चाहता है। माता पिता भले ही अनपढ़ हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन बेटे को पढ़ाने के लिए उनके हौसले बुलंद हैं। बेटे ने माता पिता का नाम रोशन किया तो लोगों ने मालाओं से लाद कर तथा मिठाई खिलाकर सलमान चौधरी का स्वागत किया। सलमान चौधरी निवासी किसी स्कूल के छात्र नहीं बल्कि इस्लामिक मदरसे के छात्र लगते हैं। सर पर टोपी, बदन पर कुर्ता पायजामा पहने सलमान चौधरी ने न केवल स्कूल में शिक्षा ग्रहण की बल्कि उसके साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। 5 वक्त की नमाज भी समय पर अदा करते हैं। हद तो तब हो गई जब 7 भाई बहनों में सबसे बड़े सलमान चौधरी हर फन में माहिर हैं। कुल मिलाकर माँ बाप को नहीं बल्कि पूरे लाहावास गांव व इलाके के लोगों को इस होनहार छात्र पर गर्व है। सलमान चौधरी ने 5वीं तक किसी निजी स्कूल से नहीं बल्कि गाँव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर पिनगवा कस्बे के निक्की मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 6 कक्षा में दाखिला लिया और वहीं से पढ़ाई हासिल कर उसने कामयाबी की मंजिल तक कदम बढ़ाए। खास बात तो यह है कि हरियाणा का मुस्लिम बाहुल्य जिला शिक्षा के एतबार में सबसे पिछड़ा हुआ है। यहां अध्यापकों के साथ साथ संसाधनों की भारी कमी है। कोरोना काल में भी इस बार पढ़ाई को काफ़ी हद तक प्रभावित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। सलमान चौधरी ने 500 में से 470 अंक हासिल कर यह साबित करने की कोशिश की है कि अगर हौसला व लगन हो तो बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। आपको बता दें कि हरियाणा के इस पिछड़े जिले के सलमान अली ने लिटिल चैंप से लेकर इंडियन आइडल तक अपने सुरों का जादू बिखरा था। अब इसी जिले का एक सलमान चौधरी शिक्षा के क्षेत्र में चमक बिखेरने जा रहा है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा नाम सलमान चौधरी जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पता चला आप कितने अंक लेके आए 10वीं क्लास में, कब आपने परीक्षा दी थी? जी, मैंने 10वीं मार्च 2020 में परीक्षा दी थी और इसके लिए इंशाल्लाह मैंने बहुत मेहनत की थी इसके लिए। कल जब हमने रिजल्ट चेक किया तो हमने देखा कि 94% अंक आए हमारे 10वीं में, और इससे मैं भी बहुत खुश हूँ और हमारे घर में भी बहुत खुशी का माहौल है, सारे परिवार खुश हैं बहुत ज़्यादा। आगे क्या आपकी बनने की तमन्ना है, क्या बनना चाहते हैं आप? जी, आगे मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहूँगा और इंशाल्लाह डॉक्टर बनना चाहूँगा, क्योंकि हमारे इलाके में डॉक्टरों की बहुत कमी है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा और अपने इलाके का नाम रोशन करूँगा। तो परिवार में आपके में पिताजी माँ कितने पढ़े लिखे हैं, क्या कोई सरकारी नौकरी में है? जी नहीं। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? और मैं और जो 10वीं क्लास में छात्र इस बार पढ़ने जा रहे हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि वह अच्छी मेहनत करें, और जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो भी अच्छी मेहनत करें ताकि अच्छे अंक लाकर वह अपने घर वालों का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का और अपने इलाके का नाम रोशन करें। रिजवान है जी, क्या कहना चाहेंगे, जो आपके पड़ोस में एक बच्चा टॉपर आया है 10वीं का? मेरा कहना यही है जी, जो सलमान चौधरी है बहुत ही लगन का बच्चा है, उसने गांव का जो नाम रोशन किया है 10वीं में 94% अंक लाकर और अपना हुनर दिखाया है। बाकी उसकी जो आगे मेडिकल लाइन में इच्छा है तो ये बड़ी खुशी की बात है इलाके के लिए भी और गांव के लिए भी, जो कि बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। बाकी हमने भी मोटिवेशन किया बच्चे को जो कि लगातार, और बाकी उसकी खुद की मेहनत और हार्ड वर्किंग जो उसने की, बाकी उसमें जो वो एक दीनी लाइन से भी जुड़ा हुआ बच्चा है जो कि मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ता है,
और ये सबके लिए अच्छी खुशी की बात है। माहौल की अच्छा माहौल है गांव में। और जो बच्चे ने पूरे 30 रोजे रखे और बाकी 4-5 कुराने पढ़ी, और ये भी अच्छा है। जो बच्चे की जो आदतें हैं, अखलाक हैं, वो उससे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो आदत हैं, जो उसकी अखलाक हैं, तो भविष्य में आगे जाने के लिए वे फ्यूचर में जो तय करते हैं अच्छी आदतें। क्या नाम है और आपका क्या नाम है? किस तरह से लड़के ने मुकाम हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे लड़के का नाम सलमान चौधरी है। मैं 10वीं क्लास का पेपर दिया था जिसका रिजल्ट बहुत बड़े आया है, अल्लाह का शुक्र है। गांव में और आपके घर में किस तरह की खुशी का माहौल देखने को है? मेरे घर में और गांव में खुशी का माहौल है, सब बधाई दे रहे हैं। मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहता हूँ और बढ़िया पढ़ाई कराऊँ। मैं लियाकत अली पत्रकार मेवात जिले का नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना दमदार खबरें। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।